नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल हमने एक दूसरे एकम के पहले टास्क के अंदर हमने देखा था एकम में दो पात्र हैं, एक तो मुंशी वंशीधर और दूसरा पात्र हैं अलोपिनी। ये दो पात्र याद रखें। नमक का नया विभाग खुल गया था और नए विभाग के दारोगा के रूप में मुंशी वंशीधर की नियुक्ति हुई थी। लोग चोरी छुपी से नमक का व्यवहार करते थे, व्यापार करते थे। इसमें अलोपिदीन ने भी कुछ गाड़ियों में नमक भरकर रात के अंधेरे में वह कानपुर पहुंचाना चाहता है। रात के समय मुंशी वंशीधर सोते हुए जागे, यमुना नदी के किनारे से आती हुई आवाज़ सुनकर वे किनारे पर पहुंचे तो मुंशी वंशीधर के कुछ सेवक गाड़ियों में नमक भरकर कानपुर की ओर ले जा रहे थे। पूछताछ करने पर पता चला कि ये गाड़ियाँ अलोपिदीन की हैं। अलोपिदीन ने मुंशी वंशीधर को बहुत लालच दी, 1,000 से लेकर 40,000 तक की लालच दी, लेकिन मुंशी वंशीधर तस्से मस हुए नहीं, अपने धर्म पर टिके रहे। और अंत में मुंशी वंशीधर ने अपने सैनिक बदलू सिंह से कहा कि आप अलोपिदीन को हिरासत में ले लो। आज्ञा का पालन हुआ, अलोपिदीन को हिरासत में ले लिया गया और दूसरे दिन उसको अदालत में पेश किया गया। यहाँ तक हमने देखा। देखें, दूसरे तास के अंदर हम आगे देखते हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। दुनिया सोती थी लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी। लोग सोए लेकिन सुबह उठते ही चारों ओर बात फैल गई कि अलोपिदीन को गिरफ्तार किया गया है और अदालत में पेश किया गया है। आबाल वृद्ध सभी लोगों के मुंह पर एक ही चर्चा होने लगी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। जिसे पूछो नहीं, वे पंडित जी की यह व्यवहार पर टीका टिप्पणी करते थे कि पंडित जी ने जो किया वह ठीक किया नहीं। निंदा की बौछारें हो रही थी। निंदा करने वाले जो निंदक थे वे निंदा की बौछारें कर रहे थे, अलग अलग दृष्टांत दे देकर निंदा कर रहे थे। मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया, ऐसा मानो कि संसार से पापियों का पाप ही कट गया हो। एक पंडित अलोपिदीन के गिरफ्तार हो जाने के कारण ऐसा लगता था कि मानो आज से पाप नष्ट हो गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कई ग्वाले ऐसे होते हैं कि पानी के अंदर और दूध के अंदर पानी मिलाकर बेचते हैं, बेईमानी करते हैं। कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रोज नामचे एक शब्द है, रोज नामचे दैनिकी, जो दैनिकी भरने वाले होते हैं, रोज नामचे भरने वाले होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं, वे लोग रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू। कई लोग ऐसे होते हैं कि रेलवे में टिकट लेते नहीं और बिना टिकट खरीदे ही मुसाफरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं। जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और शाहूकार, जाली मतलब नकली,
नकली दस्तावेज करने वाले सेठ शाहूकार महाजन यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। वे सब देवताओं की भांति गर्दनें चलाते थे, मतलब कि वे लोग भ्रष्टाचार करते हैं वे उनको नहीं दिखता, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो अनिष्ट किया है वह उसके नजर के सामने आते हैं। हम दूसरों के सामने अंगुली करते हैं, उसके अंदर एक दुर्गुण है हमें दिखता है, हमारे अंदर दूसरे तीन चार अवगुण हमारे अंदर हैं हम देखते नहीं। तो ऐसे जाली दस्तावेज करने वाले, दूध के अंदर पानी मिलाने वाले, या नकली रोजनामचे भरने वाले, रेलवे में बिना टिकट घूमने वाले, वे लोग अपनी ओर देखते नहीं, लेकिन दूसरों की टीका करने के लिए वे आगे रहते। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। और दूसरे दिन जब पंडित अलोपीदीन के हाथ में हथकड़ियां थी, उसका मस्तक नीचा था और ऐसे वंशीधर की सेना के साथ वे अदालत की ओर जा रहे थे, तब चारों ओर हलचल मच गई थी। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। मेले में भी हमारी आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती, कुछ देखने के लिए इतनी व्यग्र नहीं होती, उतनी व्यग्र आंखें आज पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए व्यग्र थी। दीवार और छत एक समान लगते थे, मतलब कि दीवार पर भी लोग खड़े थे, छत पर भी लोग खड़े थे। यह सारा तमाशा देखने के लिए यह सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी, किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। अभी अदालत में पहुंचने की देरी थी, थोड़ा टाइम लगने वाला था। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध एक शब्द है, अगाध, अथा इसका अर्थ होता है, अथा मतलब अपार, घना। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, मतलब जिस इलाके में पंडित अलोपीदीन रहते थे वही इलाके में पंडित अलोपीदीन की धाक जमी हुई थी, सब लोग उसे दबे हुए थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले, सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके भी नाम बोल के गुलाम थे। जो सेवक थे, जो चपरासी थे, जो अमले थे, उसके भक्त थे, वे सब लोग तो उसके गुलाम जैसे थे। उसे कुछ चीज़ वस्तु खरीदना है ना, तो भी वह पंडित अलोपीदीन को पूछे बिना खरीदते नहीं, मतलब उसके हाथ के नीचे दबे हुए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। वे सब लोगों ने देखा ने कि पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार होकर अदालत में जा रहे हैं, तो चारों ओर से लोगों दौड़ते हुए आए। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, विस्मित मतलब चकित। सभी लोग मुख में अंगुली डाल रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह धर्म कर्म किया, इसलिए नहीं, जो अलोपीदीन ने जो अच्छा काम किया नहीं, इसके लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। चकित तो इसीलिए हो रहे थे कि इतने धनवान, लक्ष्मी पर अभिमान करने वाला, लक्ष्मी भी उसकी गुलाम हो, ऐसा आदमी, क्या ऐसा आदमी कानून के पंजे में आया कैसे। वे तो बड़े से बड़ा मामला भी धन के माध्यम से रफा दफा कर देते थे, तो आज वह मुंशी वंशीधर के पंजे में आए कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, देखिए वाचालता, वाक्पटुता, वाक्पटुता मतलब वाणी की वाचालता,
अनन्य मतलब अभिन्न के पैसा है, उसके वाणी में वाह चलता है, और फिर ऐसा व्यक्ति ये कानून के पंजे में आया कैसे? क्यों वह कानून के पंजे में आवे? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। देखिए वकीलगण तो थे, वे उसे सलाम करते थे, उसके गुलाम जैसे थे, इसलिए अभी पंडित अलोपिनीन अदालत में पहुँचे उसके पहले ही कुछ वकीलों की टीम तैयार हो गई और उनसे पहले ही वह अदालत में पहुँच गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्यायालय न्याय का मैदान जहाँ सच्चा न्याय होता है, तो न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच में युद्ध ठन गया। यहीं मुंशी वंशीधर के सामने धर्म है और अलोपिनीन के साथ धन है। वह धन के आधार पर और मुंशी वंशीधर धर्म के आधार पर कानून लड़ने लगे। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। देखिए वंशीधर तो बेचारे चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था। अब उसके पास तो कोई बल नहीं था, न तो पैसों का बल था या न कोई उसके पक्ष में बोलने वाला था। वे तो एक सत्य के बल पर ही लड़ रहे थे। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त तो कोई शस्त्र, उसके पास तो स्पष्ट भाषण था और ये भाषण के अलावा उसके पास कोई शस्त्र नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। देखिए एक शब्द है डावा, डावाडोल। अस्थिर। कुछ गवाह तो थे मुंशी वंशीधर के पास, लेकिन वह गवाह भी पैसों के कारण या लोभ के कारण अस्थिर हो गए थे, डावाडोल हो गए थे। मुंशी वंशीधर के पक्ष में से वह पंडित अलोपिनीन के पक्ष में चले गए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। अब मुंशी वंशीधर को लगा कि अब न्याय मेरे पक्ष में आएगा नहीं, क्योंकि जो सारे वकील थे अदालत में, जो केस लड़ने वाले थे जज सहित, वह सभी के सभी पंडित अलोपिनीन के थे। इसलिए मुंशी वंशीधर को अपनी ओर से यह न्याय खींचता हुआ महसूस हुआ। वह न्याय का दरबार था परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वह न्याय का दरबार था, वास्तव में तो अदालत में सच्चा न्याय होना चाहिए, कोई छूत अछूत ऊंच नीच या कोई संधि को देखे बिना न्याय करना चाहिए। इसलिए तो अदालत में जो बुढ़िया का स्टेचू होता है ना, उसके आंखें पर पट्टी बांधी होती है। ये मतलब यही कि यहाँ जो न्याय होता है वह देखे बिना, पक्षपात किए बिना सच्चा न्याय होता है, लेकिन आज यहाँ न्याय सच्चा होने वाला नहीं था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वह न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पक्षपात होता है वहीं न्याय की हम कल्पना भी कर सकते नहीं। हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ सच्चा न्याय होने वाला नहीं। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वंशीधर के पास कोई न गवाह था न कोई सबूत था, और जो सबूत थे वे भी डावाडोल थे। अलोपिनीन के पक्ष में यह न्याय चला गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपिनीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामात्मक हैं। तजवीज यानी फैसला। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मुंशी वंशीधर के पास कोई गवाह नहीं और सबके सब सबूतों के आधार पर यह अदालत अलोपिनीन को बाइज्जत बरी करते हैं और मुंशी वंशीधर यहाँ से एक अभियुक्त होकर जा सकते हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं,
वह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उड़नता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सहयोग सजग और सचेत रहता है। और तो देखें, यही अदालत ने दे दिया कि मुंशी वंशी अरु आलोपी दिन तो धनवान हैं, और ऐसे थोड़े पैसों के कारण वह ऐसा काम करे वह मान्यता में आता नहीं, इसलिए वह निर्दोष है। ऐसा कह के आलोपी दिन को छोड़ दिया और मुंशी वंशीधर की अपनी कर्तव्य परायणता के कारण उसको धन्यवाद भी दिया। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया, वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया, मतलब धन तो आलोपीडीन, या वंशीधर ने आलोपीडीन के साथ बैर मोल लिया, मतलब बैर बांध लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब तो वंशीधर को आलोपीडीन के क्रोध सहना ही पड़ेगा। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुआतली का परवाना आ पहुंचा। मुआतली का परवाना आ पहुंचा, कार्यप्रणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद से व्यथित घर को चले। अब दूसरे दिन अदालत से बर्खास्त पत्र मिला। अब पंडित आलोपीडीन की वजह से अदालत ने मुंशी वंशीधर को अपने नमक का दारोगा पद से हटा दिया गया और उसे बर्खास्त पद या पदच्युत कर दिया गया। जब मुंशी वंशीधर इस दुवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। अब पद भ्रष्ट होकर जब भग्न हृदय से मुंशी वंशीधर अपने घर को चले, घर के दरवाजे पर आए और जब उसके वृद्ध पिताजी ने यह समाचार सुना तो पिताजी ने सिर पीट लिया, भारी दुख व्यक्त किया। जी चाहता कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। एक बार तो उसके मन में ऐसा आया कि वंशीधर का और अपना दोनों का सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। मुंशी वंशीधर के पिताजी तो देर तक पछताते रहे कि इसने ऐसा क्यों किया। अच्छी नौकरी मिली थी, फिर भी वह ठीक तरह से नौकरी कर सका नहीं। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। क्रोध में कठिन बातें भी की, कुछ गालियां जैसी बातें भी बता दी। अगर मुंशी वंशीधर वहीं से हट गए न होते तो अवश्य ही मुंशीधर के पिताजी का क्रोध उसके ऊपर विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ, उसकी माता भी हैं वह वृद्ध हैं, तो वृद्ध माता को भी दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा कामनाएं मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल जाना मुहावरा है, बर्बाद हो जाना। उसकी माता को जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करनी थी, लेकिन यहाँ वंशीधर की नौकरी चली गई, इसलिए माता की यह जो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करने की जो इच्छा थी वह इच्छा भी धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। उसकी पत्नी भी उसके फेर में नहीं, उसकी पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुँह से बात नहीं की। घर वाले परिवार वाले भी ऐसा व्यवहार करने लगे मानो मुंशीधर ने कोई बड़ा जुल्म किया हो। वास्तव में तो वह अपने धर्म के आधार पर चल रहा है, अपनी प्रमाणिकता के आधार पर चल रहा है, लेकिन घर वालों को ये अच्छा लगा नहीं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। अब नौकरी छूटे, एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, बूढ़े मुंशी बैठे राम राम की माला जप रहे थे।
संध्या का समय था। मुंशी वंशीधर राम नाम की माला जप रहे थे उसके पिताजी, और ऐसे समय में यह पंडित अलोपीदीन सजे धजे रथ में बैठकर मुंशी वंशीधर के घर आते हैं। पंडित अलोपीदीन का जिंदगी में पहली बार सच्चे आदमी से सामना पड़ा था। पंडित अलोपीदीन ने आज अपने पैसों के बल पर बड़े बड़े फैसले रफा दफा कर दिए थे। कभी वे कानून के पंजे में कसे नहीं थे, लेकिन आज ऐसा एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति उसके सामने भिड़ गया था कि जिसके सामने अलोपीदीन हार गए थे। वे कुछ दिन बाद वंशीधर के घर गए। उन्होंने वंशीधर से कहा कि मेरा हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा है। वंशीधर के घर जाकर उसने कहा कि मुझे हजारों कर्मचारियों से काम पड़ा है, लेकिन मैंने अपने धन के बल पर, पैसों के बल पर किसी को अपने पर हावी होने दिया नहीं। सबको मैंने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सभी को धन के बल पर परास्त किया, लेकिन मुझे जो परास्त करने वाले होने तो आप, क्योंकि मैंने 1,000 से लेकर 40,000 रुपये की रिश्वत आपको देना चाहा, लेकिन फिर भी आप कर्तव्य परायण से हटे नहीं और मुझे अदालत में पेश करके ही रहे, और अदालत में भी मेरी जीत जो हुई है वह छल कपट से हुई, वहीं भी तुम निर्भीक थे, वहीं भी तुम अपने पद से हटे नहीं। उन्होंने वंशीधर के सामने स्टैम्प लगा पत्र रख दिया, और फिर उसने अपने बैग से एक पत्र निकाला, स्टैम्प पत्र, और वह पत्र उसने मुंशी वंशीधर के सामने रख दिया और उनसे उस पर दरखास्त करने के लिए कहा, और कहा कि आप दरखास्त मतलब हस्ताक्षर, आप इनके पर अपना हस्ताक्षर, अपनी साइन कीजिए। वंशीधर ने पत्र पढ़ा, और पत्र में क्या लिखा था, तो वंशीधर ने वह पत्र पढ़ा। पंडित अलोपीदीन ने इन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। देखिए पत्र में क्या लिखा था, तो पंडित अलोपीदीन की जो जमीन जायदाद धन दौलत जो था नहीं, वह सभी की रखवाली करना, स्थायी मैनेजर, उसका हिसाब किताब रखने वाला मुनीम। और ऐसे ऊंचे पद पर पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर की नियुक्ति की। 6,000 मासिक वेतन, महीना में 6,000 रुपया वेतन, रोज का खर्च, और दिन में उसका जो हाथ खर्चा होता है वह हाथ खर्चा, बंगला, सरकार सवारी के लिए घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ। देखिए महीने में 6,000 पगार, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी, यह सब सुविधाएं भी दी। देखिए यहाँ पंडित अलोपीदीन ने सोचा कि ऐसा कर्तव्यपरायण व्यक्ति और कहीं मिलेगा नहीं, वह धर्म पर टिका है, वह लालचू नहीं है। अरे ये सब बातें सोच समझ कर पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। वंशीधर को पंडित अलोपीदीन से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद न थी। वंशीधर तो निराश हो गए थे परिचित होते ही। मुंशी वंशीधर को कभी आशा ही नहीं थी कि पंडित अलोपीदीन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उनकी आंखें खुशी और श्रद्धा से डबडबाई, और पंडित और मुंशी वंशीधर की आंखें खुशी से छलक पड़ी। मुंशी वंशीधर का पूरा परिवार खुश हो गया, और यहाँ अंत में पैसों के सामने या धन के सामने धर्म की जीत होती। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एकम हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है वह स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आप सभी लोग अब अपनी नोटबुक में अच्छे अंकों से, सुवाच्य अक्षरों से पूरा स्वाध्याय लिख दें। थैंक यू।